Hi friends, welcome to my channel Angel's Rasoi. आज हम Oreo बिस्किट से केक बनाएंगे. Oreo केक के लिए हमने 2 पैकेट्स बिस्किट्स के लेके उसको कट करके ग्राइंड करके पाउडर कर लेंगे. एक कटोरी दूध और 2-3 चम्मच चीनी के पतीले में डाल के आंच पे रख के चीनी मिक्स कर लेंगे. रूम टेम्परेचर पे आने पर इसको बिस्किट्स के पाउडर में मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे. अब हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है. कंटेनर में 1 चम्मच रिफाइंड डाल के अच्छी तरह ग्रीसिंग कर लेंगे. अब 1 चम्मच इनो पाउडर डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे. अब बैटर को कंटेनर में डाल के धीरे धीरे टैप करते हुए इसको सेट कर लेना है. इनो पाउडर डालने से पहले माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री टेम्परेचर पे प्रीहीट कर लेना है. फिर कंटेनर को इसके अंदर रख के 5 मिनट्स के लिए केक को बेक कर लेना है. फाइव मिनट्स के बाद इसको बड़े आराम से ग्लव्स डाल के निकाल के टूथपिक के साथ इसको चेक करेंगे कि क्या ये बेक हो गया. देखो टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, इट मींस केक हमारा बेक हो चुका है. 1 घंटे के बाद केक के कंटेनर को टैप करते हुए केक को बाहर निकाल लेंगे. ₹200 ग्राम क्रीम बेकरी शॉप से लेके स्प्रेड कर लेंगे. आउटर साइड्स पे हम प्लेट को घुमाते हुए सारी आइसिंग कर लेंगे. इस तरह हमारा केक का बेस रेडी हो जाएगा. अब रेस्बेरी रेड कलर लेके क्रीम में मिक्स कर लेना है.
आइसिंग बैग में इसको फिल कर लेंगे। और ऊपर रबर बैंड डाल के इसको पैक कर लेंगे। अब प्लेट को घुमाते हुए केक के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके सेंटर में क्रीम फिल कर देंगे। अब सेमी सर्कल्स बाहर वाली साइड ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह हम अपनी मर्जी के अनुसार रोज को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब थोड़ी सी पिंक क्रीम को लेके हमने व्हाइट बेस पे स्प्रेड कर देनी है। याद रखो, डायरेक्शन एक ही तरफ होनी चाहिए। अब आउटर साइड भी हम ऐसे ही आइसिंग कर लेंगे। आइसिंग कोन से हम बाहर वाली साइड भी डेकोरेट कर लेंगे। इसी तरह हम सारी आइसिंग कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे शेयर करना ना भूलना। हमारा केक बनके रेडी हो गया है। अब मैं ये केक को कट करके दिखा रही हूँ। देखो कितना स्पॉन्जी बना है।